तो वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने चुनावों की तैयारी को लेकर कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पार्टी की टीम बहुत पहले से ही चुनाव की तैयारी में लग गई थी। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव समय से पहले घोषित हो गए हो। साथ ही बराला ने कहा कि जिस तरह देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनी, उसी प्रकार प्रदेश में भी भाजपा की तीसरी बार सरकार बननी तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव समाप्त होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आज आप देख रहे हो, प्रांत स्तर पे हमारी छोटी छोटी बैठकों से लेकर के और विधानसभाओं की बैठकें, ये हमारी लगातार चल रही हैं। आज भी मैं टोहाना की विधानसभा की हमारी बैठक थी, जो बूथ के कार्यकर्ता हूँ उसमें से होकर के आया हूँ। फतेहाबाद में भी बैठक चल रही है, सब जिलों के अंदर हमारी बैठकें चल रही है और हमारी तैयारी ऊपर से लेकर के और नीचे यानी कि बूथ तक पूरी है और कार्यकर्ता तैयारी के अंदर जुट गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सर्वोच्च टीम तय करती है कि कौन मैदान में आएगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट है, वही चुनाव लड़ेगा। कमल का फूल पार्टी किसी के हाथ में दे करके भेजे और सुभाष बराला भी कार्यकर्ता के नाते काम करेगा, क्योंकि हमारा जो होमवर्क है पार्टी का, चाहे वो चुनावी अभियान के चलते है या फिर टिकटों के चलते है, वो बहुत दिन से हमारा शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आपको हमारे जो उम्मीदवार है मैदान में दिखाई दे।